ये है बलवंत। भारत देश के अन्य किसानों की तरह बलवंत भी खेती से अपनी आजीविका चलाता है। बलवंत हर साल घर का बीज इस्तेमाल करके पारंपरिक तरीके से अपने खेती का ख्याल रखने के लिए बड़ी मेहनत करता है। फिर भी साल दर साल बलवंत का मुनाफा कम होता चला जा रहा है। एक दिन बलवंत को श्रीराम कंपनी का विज्ञापन दिखता है। और फिर नमस्कार, मेरा नाम विश्वास है, मैं श्रीराम कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपका और आपके गांव का नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम बलवंत है और मैं नारायणपुर गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा बलवंत जी, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं हमेशा से घर का बीज इस्तेमाल करके बड़ी मेहनत से खेती करता हूँ, फिर भी मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज ही मैंने पढ़ा कि नए बीज से अधिक फायदा होता है, क्या आप मुझे इस संबंध में अधिक जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे कई किसान भाई घर का बीज इस्तेमाल करके बड़ी मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते। आप ही के गांव में हमारे किसान भाई सुखी जी भी इसी समस्या से परेशान थे। चलिए सुखी जी के खेत पर ही उनके अनुभव से आपको नए बीज से होने वाले फायदे समझाते हैं। ये है सुखी जी, जो हर साल अपनी खेत में गेहूं का नया बीज इस्तेमाल करते हैं। सुखी जी, क्यों ना आप भी बलवंत जी को ये बताइए कि नए बीज के क्या क्या फायदे हैं। राम राम बलवंत जी, मैं पिछले कई साल से नया बीज लगाता हूँ। अच्छा भाई, ऐसा क्या है नए बीज में जो घर के बीज में नहीं है? बलवंत जी, दरअसल घर का बीज लगाने से होते हैं कई नुकसान। सबसे पहला नुकसान है घर के बीज का जमाव कम होता है और कल्ले भी कम फूटते हैं। इसीलिए तो घर के बीज 8-10% ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल सही, यही है पहला नुकसान, बीज दर की अधिक आवश्यकता। अब समझो कि जहां 1 एकड़ खेत के लिए 50 किलो घर का बीज लगेगा, वही नया बीज केवल 40 किलो काफी होगा। और तो और, घर के बीज में दूसरी किस्म के पौधे या ऑफ टाइप प्लांट, खरपतवार व बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है जी, जिस कारण दवा भी ज्यादा लगती है। इससे प्रति एकड़ 400-500 रुपया खर्चा बढ़ जाता है जी। एकदम सही कहा सुखी जी। तो बलवंत जी, समझ में आया दूसरा नुकसान, अधिक रोग व खरपतवार प्रबंधन। अब जानो एक और पते की बात, घर के बीज में उत्पादन में 1.5-2 क्विंटल प्रति एकड़ की गिरावट आ सकती है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल बलवंत, घर के बीज में अलग अलग किस्मों के असमान दाने होंगे व मंडी भाव भी कम मिलेगा। धन्यवाद सुखी भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। अजी धन्यवाद तो विश्वास जी का कीजिए, जिन्होंने हमें भी नया बीज लगाने की सलाह दी। तो आइए बलवंत जी, थोड़ा गणित समझिए। घर के बीज में मात्र 600 रुपए बचाकर आप 4000 रुपए अधिक मुनाफा कमाने का मौका गवा रहे थे। जी हाँ विश्वास जी, ये तो बिल्कुल सरल और फायदे का सौदा है। मैं तो आज से ही कोई नया बीज लगाऊंगा। अजी कोई नया बीज क्यों, सिर्फ और सिर्फ श्रीराम सुपर गेहूं बीज ही लगाना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इसीलिए घर के बीज ना लगाएं, आज ही बाजार से लाएं नया श्रीराम सुपर गेहूं बीज।